परेशानी भी बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा। बैसाख के महीने में एक पीते से नाम छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो, उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो, फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज तीज चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी छठ सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी नवमी दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर जो आपकी मर्जी पड़े, दान के भाव से घी का दिया शिवजी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए। अगर ब्राह्मण जन गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल अर्थ समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप ऐसा। ये लक्ष्मी की प्रति संपदा का रोग आनंद सुख प्रदान रोग के लिए तो नहीं कर सकते, संपदा के लिए सबसे प्रबल। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।